हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन और चिकन। तो मैंने बहुत बार बनाया है, चिकन ग्रेवी, चिकन बिरयानी, चिकन चिली मसाला, सारे तरीके के चिकन हमने बनाए हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और ग्रेवी वाला मटन बनाने जा रहे हैं। और आइए चलते हैं हमारी स्टाइल से कैसे हम लोग बनाते हैं। कम फ्रेंड्स, ये देखिए 1 किलो मटन है और मैं इसे सबसे पहले फ्राई करूंगी। इससे पहले सबसे पहले मैंने इसको धो के साफ कर लिया अच्छे से। अब इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। आइए चलते हैं। कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं हम। तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमने मीट को मैरिनेट नहीं किया है और आज हम इसको फ्राई करके ही बनाएंगे। और आइए देखते चलते। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं 2-3 तेज पत्ते, 2-3 टुकड़े छोटे दालचीनी के और बड़ी इलायची। थोड़ा सा इसका मुंह तोड़कर डाल देते हैं हम इसमें, खोलकर। ये बड़ी इलायची, ये काली वाली, ये देखिए फ्रेंड्स। मसाले हमारे तेल में फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए। आइए अब इसमें मटन डालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मीट हमारा, मटन हमारा तेल में अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसको हमको 5 मिनट तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। ये अब इसको आए थाली में निकाल लें। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मसाला है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है, और इसमें मटन मसाला है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और गरम मसाला है। सारे मसाले हमने मिक्स करके इसको भिगो के रख दिया था हमने आधा घंटा पहले। अब इसको आइए तेल में फ्राई करते हैं। मसाले को भी अच्छे से भून लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी में सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, सारे मसाले इसी में मिक्स हैं। और इसको आइए भूनते हैं ऊपर ऑयल आने तक। इसको भूनने में करीब 10 मिनट लगेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा मसाला ये अच्छे से भून चुका है, ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि सारे मसाले इसी में पड़े हुए हैं, नमक वमक सब पड़ा हुआ है स्वादानुसार। अब आइए इसमें डालते हैं मटन। मटन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मसाला और मटन अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। और इसको ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये कम से कम 90% कुक हो चुका है और ये ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इसको ग्रेवी वाला बनाएंगे। तो आइए इसमें डालते हैं पानी। ग्रेवी जितनी भी हमको खानी है उतना ही हम पानी डालेंगे, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं कि नमक कैसा है। नमक बहुत ही अच्छा है, एकदम फिट है, सारे मसाले भी भुन चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम, बस इतना। अब इसको ढक के पकाते हैं, क्योंकि ये मटन है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है।
तो इसको करीब 4 या 5 सीटी में पक जाएगा। तो इसको कुकर में ढक्कन लगा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा मटन पक चुका है कि नहीं, देखते हैं, खोल के ढक्कन। फ्रेंड देखिए मटन हमारा अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी हरी धनिया की पत्ती गार्निश के लिए। मिला देते हैं। आइए इसको प्लेट में निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, मटन ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, बहुत ही लजीज है। और इसे आप चावल से किसी भी चीज़ से खाएं, नान रोटी हो या रोटी हो, किसी भी चीज़ से खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही पौष्टिक है। इसमें विटामिन डी भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है। और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।